हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। वो जो है टॉकबैक जो होती है ऑप्शन होता है उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, मेरे पास ऑनर का 9 Lite मोबाइल फ़ोन है। आप इस तरीके से किसी भी मोबाइल फ़ोन की जो प्रॉब्लम होती है जैसे किसी में भी टॉकबैक की, तो वो दूर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए मैं आपको मॉडल नंबर बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप कोई और मॉडल भी यूज करते हैं तो उसको भी आप टॉकबैक उसकी जो है ऑफ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से जब भी ये टॉकबैक ऑन हो जाती है किसी बच्चे से या फिर धोखे से आप ही से ऑन हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम करता है। टच को आप सिंगल फिंगर से यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको डबल फिंगर का इस्तेमाल करना होता है, तब जाके ये वर्क करती है। तो अब देखिए, यहाँ पे हम इसको जो पासवर्ड है उसको टाइप कर देते हैं। हर बार डबल फिंगर डबल टच करके ही ओके होता है। अब हमें इसको जो है टॉकबैक को ऑफ करना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना होगा। ये तो यहाँ पर इस पर मेनू खुला हुआ है, लेकिन आपको जब इसका आप टच को यूज करेंगे तो आपको दो फिंगर से ही आप इसको टच को स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। सिंगल फिंगर से आप इसको देखिए यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगी। उसके बाद में मैं यहाँ पे इसका जो मेन्यू का ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक खुले हुए हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपली सेटिंग में इसको डबल टैप करके एंटर होऊंगा। देखिए, सेटिंग में जाने के बाद में अब मैं डबल फिंगर की मदद से इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा। देखिए, स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यह ऑप्शन आपको दिख रहा है, स्मार्ट एज ए स्टेंस, तो इस पे जाके मैं डबल टिक करूंगा। डबल टिक करने के बाद में इसमें आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है एक्सेसिबिलिटी, तो इस ऑप्शन पर आपको पहुंचना है। चाहे आपके पास कोई भी मोबाइल फोन हो, किसी भी तरह से करके आपको इस ऑप्शन पर पहुंचना है। हर मोबाइल के जो फंक्शन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो देखिए ये का फंक्शन जो है यहाँ पे शो होने लगा है। आप सिंपली इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है टॉक बैक ये शो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है टॉक बैक ऑन है, तो इसको हमें ऑफ करना है। ये किसी ने धोखे से इसको ऑन कर दिया है, जिसकी वजह से ये टच में प्रॉब्लम आ रही है। तो सिंपली हमें इसको टॉक बैक को हमें ऑफ कर देना है। देखिए, डबल टैप करने के बाद में हमें इसको भी ओपन करना है। जब हम इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये नोटिफिकेशन का सिंबल दिख रहा है, इस पर डबल टिक करना है और ये यहाँ पे ओके कर देना है दो बार। देखिए, टॉक बैक ऑफ हो चुकी है पूरी तरह से। और आप सिंपली इसी तरह से सभी मोबाइल फोन की टॉक बैक को ऑफ कर सकते हैं। बस आपको मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। और वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।